मजलिस का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगी। इसके लिए मैं तनवीर हनीफ को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आकर तिलावत पेश करें। من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم गम का है किनारा या अली बहर गम का है किनारा या अली जब सताया अहले दुनिया ने हमें हमने घबरा कर पुकारा या अली हमने घबरा कर पुकारा या अली नारे अली का वेद करो ए हम अमर पर क्या नारे अली के शान को ये मंत्र वंत्र क्या नारे अली का वेद करो ए हम अमर पर क्या नारे अली के शान को ये हम अमर पर क्या नारे अली के शान को ये मंत्र वंत्र क्या नारे अली का वेद करो ए हम अमर क्या नारे अली के
India has made this auspicious feast food on the world. The glorious event occurred on Friday, the 13th of Rajab in the year 30 Amulse. Abu Talib's worship by Fatima bint Yasir, who was fully 9 months pregnant, clung to the wall of Kaaba, imploring the Almighty to ease her burden for the sake of her great ancestor Prophet Ibrahim alayhi salam. Tera Rajab ko Kaaba bola, Ali Ali bola, Ali Ali bola, Chaand daba ke Ali Ali bola, Ali Ali bola, Ali Ali bola. Tera Rajab ko Kaaba bola, Masjid boli mola mola, Minbar bola mola mola, Masjid boli Minbar bola. Tera Rajab ko Kaaba bola, Ali Ali bola, Ali Ali bola. अवले इमाम हजरत अली अब्न अबी तालिब स्तमज तेरा रजब अलामिनास्तिनो तन्ना चोगला तेने मताई दिरिंग इमाम बारगा फ्याईना तेने मक्तब इमाम समाने चुगुनी न्यंपु न्यंपु तेने मताई का शुक्रिया संगमती तेने मताई संदिरिंग हजरत अली स्तमज को मताई का सियाला संगमत जोन सेनो तेव्या नस स्पेशली तेने अंजुमन इमामी सदर साहेब नांग वकोनी अराकिन कुल्ला मा निंगना गुमबरिक जुत निजा निजा इजम वा फीस देंगे जी चुगुनी हुसला अफजाई भी आईका स्क्योट वो यही का धर दसंगता पूरा थुन की तोलबाउन इस इका मताई मक्ता बिना चाम शिकोनी ची हब्स तेवफिया शेख साहेब नांग हजी जैनब निस्कला हजा यूथ नांग आफाफ कमिटी छंगमे चोकना मा शुक्रिया जी तेने निजे मा ओग्याल नाम से तेने इचुगुन ला नताए दीनी योंतान पो दीनी नताए मक्ता पो मा निजे ग्याला नाम पो इका साल तो चुगुन ला चाहे नताए पुरानी चोकता इंदो या नताए आक्रमाती चोकता इंदो या नताए या दीनियाती चोकता इंदो मा जिप्साल मा मुबारी अजुक तो नतां संभाला इका तो तेने ई दुनियावी तालीम ना यंबो यंबो नताए दीनी तालीम पो दांग दिनी वक्त ना मा जरूरत तो नतां संगमा लाते वे एहसास जिनो त्यो फिया तेने नता दांग दिनी का सुख सिख इन ना नता दुनियावी तालीम या मा मा शांति नता जोर दानो ग्याला ग्याला नता स्कूल ला तांग चेस फीस ग्याला ग्याला शाले नता त्यो सामान के टुवा दुनियावी तालीम पो नता मा ग्याला चोसे तांग गोसे तो लेकिन यंबो यंबो साइड पो ना नता दुनिया दीनी तालीम पो तपिक सिख नता नामे चारु त्यो फिया इस ऑफ मकताब को नताए अंजुमानी मादा दिका अंजुमानी रोक सिका नताए फियांगा ढूलने नो या शेयर ढूलने नो चुचुला ढूलने नो हर जगह ढूलने नो क्यों फिया नजे चोक ना अंजुमानी तमाम आरे किन स्पेशली अच्छा वाली वर्षा साफ कुंडला मा मुबारक जु इस ऑफ नताए प्रोग्राम को नताए दीनी फिया मा चोचे धाम दीनी वाकत ना मा जरूरी दुख चेजे ना धाम दीनी तुस पतिजुक तुशिक दुख मोबाइल ए तुशिक इंटरनेट ए तुशिक छगरा ए तुशिक योत्पासा दुनिया भी तालीम में नामा शांति नता है जोर को नता चारु ते फिया दीनी तालीम में न्यंबो न्यंबो नता है संग ढूल कोशिश नता है फिया मा जरूरी तो फिया ये रोक सा चेस पोंग आजा संग में चोक ना फिया ये उल्पे चोक ना अंजुमा निमा में आमा हिंग तापाने तुम जे चेजुन नाम अच्छा लगता है तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे मौला तेरे इश्क में इल्जाम अच्छा लगता है अब मैं इसके बाद मोहम्मद इरफान और उसके साथियों से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना कवाली पेश करें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत
तो आज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 13 रजब को हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं, इनकी विलादत मनाते हैं। तो आप ये चीज़ दुनिया को, सभी को पता है कि अली के दीवाने दुनिया में बहुत है, अली को हर तरह के लोग इसके उनको मानते हैं, और अली के दीवाने इतने हद तक है कि कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी उनके नाम पर नात पढ़ते हुए, उनके नाम पर कवालियाँ पढ़ते हुए उम्र निकालते हैं। तो आज उन शख्सियत का हम जन्मदिन मनाते हैं। तो वो बहुत ही पाए का आदमी था, मुसलमानों के हिसाब से भी, दुनिया के दानिशवारों के हिसाब से भी, लोगों उनका बुलंदी, उनकी तालीमात का, उनकी शुजाअत का, उनकी सखावत का बिल्कुल कोई सानी नहीं है दुनिया में कि किस उनका। इसलिए आज हम उनका दिन मनाते हैं, और हम सब लोगों को हम इनसे सबक लेके हमें पूरा तमाम आलम इंसानियत के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों, इंसानियत की खातिर, इंसानियत की खिदमत करने के लिए, जिस तरह अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमको एक नमूना पेश किया, उस पर चल के हम सब लोगों को उनके दिन मनाने का, इसके मकसद को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु शैइन अहसैनाहू फ़ी इमामिन मुबीन। परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन अहसैनाहू फ़ी इमामिन मुबीन, हर चीज़, चाहे ज़मीन, आसमान, दरिया, कवाकिब, हर चीज़ के बारे में इमाम मुबीन, रोशन इमाम के लिए ये सब मालूम है। लिहाजा आज हम इस इमाम मुबीन, इमाम मुत्तकीन, मौलूद काबा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की जश्न मनाने के लिए हम यहाँ फ़ियांग मकतब साहिब ज़मान की तरफ से जमा हुए हैं, क्योंकि आज के दिन 13 रजब को खाने काबा में, जिस खाने काबा को बैतुल्ला, अल्लाह का घर कह के हम पुकारते हैं, अल्लाह ताला ने इस घर को बनाया, और इसी घर में इस दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आज 13 रजब खाने काबा में मौलूद हुआ। लिहाजा अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल हम बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि अली की इतनी फ़ज़ाइल, इतनी फजीलत मौजूद है कुरान से लेकर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, वह अली उन बाबुहा, और अली इस शहर का दरवाज़ा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिस रसूल ने कुरान लेके आया, लक़द अरसलना रसूलना बिलबैनात व अनज़लना माहुम अलकिताब वल हिकमा, कि रसूल ने कुरान, कानून, हर इंसानियत के लिए कुरान लेके आया। रसूल इल्म का शहर है, एक शहर में हर चीज़ हमारे लिए, अखलाक, आदाब, इंसानियत, हर चीज़ मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उन बाबुहा, अली इस शहर का दरवाज़ा है। जो लोग अली को कबूल करते हैं, जो लोग अली के कायल हैं, तो वही लोग रसूल की मारिफत, वही लोग अल्लाह की मारिफत हासिल हो सकते हैं। लिहाजा आज हम जश्न इमामत,
जश्न विलादत मनाने के लिए आए हैं। अली के बग़ैर रसूल को पहचानना, दीन को पहचानना और इंसानियत को पहचानना मुमकिन नहीं है जब तक हम अली के दामन न थामे। तो लिहाजा मैं आज अली अलैहिस्सलाम की इस जश्न विलादत बसादत जो कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अहादीस हैं और दुनिया भर के हर इंसानियत चाहे मसीही हो चाहे हिंदुज़म हो चाहे बुद्धिस्ट हो हर एक अली की इस शुजात अली की इस करामत अली की इस मौजूदगी को देखकर अली की तारीफ़ करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि अली अलैहिस्सलाम के बारे में हम रिसर्च करें, तहकीक करें, किस तरह हमें हुकूमत करना है, किस तरह इखलाक से पेश आना है, किस तरह हमें गरीबों की मदद करना है। तो आज अली अलैहिस्सलाम की इस विलादत ने तमाम इंसानियत को एक नया फिक्र, नया अंदेशा और नया एक आइडियल पेश किया। ये लिहाजा हम सब के लिए आज के दिन बहुत मुबारकबाद हैं और अली अलैहिस्सलाम हमारे लिए नमूने अमल है। हम जितने भी तालीम हासिल करें, क्योंकि एक शेर कहते हैं कि अगर तालीम से अगर तुम अली को निकाल दें, एलम ये को निकाल दे तो तुम ही रह जाएगा। जब तक हम तालीम के साथ, तरक्की के साथ अली की मोहब्बत, अली की पहचान हम हासिल ना करें, उस वक्त तक ना हमारी ये तालीम काम आ सकते हैं, ना हमारी ये प्रॉपर्टी काम आ सकते हैं। तो लिहाजा आज के दिन में आप सबको इस विलादत बसादत इमामुल मुत्तकीन वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जश्न पुर मुसर्रत के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।